अब पटियाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे का परीक्षण करेगा। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली रूस यात्रा है। यात्रा दो दिन की है और इसका मकसद 22वीं भारत रूस समिट है। कल से आज तक प्रधानमंत्री ने रूस में जो जो किया वो आप मेरे दोनों तरफ चल रही तस्वीरों में देख सकते हैं। पीएम ने वहां रहने वाले भारतीयों को अपनी चुनावी जीत के बारे में अपडेट दिया, भारतीयों की कामयाबियों के बारे में भी बताया उन्हें। आज भारत के पीएम रूस की यात्रा पर हैं तो खबर यह आई है कि अमीरी में रूस का दर्जा बढ़ गया है, रूस धनी देशों की लिस्ट में आ गया है। पीएम ने वहां भारतीयों को यह भी बताया कि भारत का टारगेट दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना है। इस दौरे में देश के लिए क्या एजेंडा है यह आपको बता देते हैं। एजेंडा यह है कि एटॉमिक प्लांट निर्माण की वार्ता करना, रूस में भारत का निर्यात बढ़ाना, भारत रूस के व्यापार में डॉलर को हटाना, चीन से विरोध और रूस से दोस्ती बरकरार रखी जा सकती है ये दर्शाना, तेल और ऊर्जा सप्लाई पर भरोसा, फर्टिलाइजर आयात बढ़ाना, यूक्रेन युद्ध में शांति के लिए वार्ता, रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान रिसीव करना, रूस में वीजा ऑन अराइवल सुविधा पर आगाज करना। अगर पीएम मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान छोड़ दें तो बाकी सब चीजें वार्ता के लेवल पर हैं। लेकिन यात्रा को और अच्छी तरह से समझने के लिए पटियाल ने विदेशी मामलों के एक्सपर्ट से बात की, आप भी सुनिए और चीजें आपको पता चलेंगी। दुनिया में हमने सिग्नल दे दिया है कि हम रशिया को अपनी जियोपॉलिटिक्स में रखेंगे। सेकंड रीजनल कि भारत और रशिया दोनों को चाइना के रिस्पेक्ट में फायदा है हमें कि चाइना रशिया चाइना पे ज्यादा ना झुके और रशिया को उसे झुकना ना पड़े, तो हम दोनों को जियोपॉलिटिकल रीजनल फायदा है। अब तीसरा फायदा है बायलैटरल, हम दोनों देशों के आपस में जो रिश्ते हैं अभी करीब 66 बिलियन का ट्रेड है परंतु उसको बढ़ना है और उसको जितना ज़्यादा हम बढ़ा सकें उतना हम दोनों देशों का फायदा है। जितना ज़्यादा हम रशिया से और तेल ले पाएं, ये तो कच्चा तेल कम कीमतों पे, उतने हमारी इकोनॉमी को फायदा है। जितना ज़्यादा रशिया हमको एक्सपोर्ट कर पाए उतना ज़्यादा रशिया को फायदा है। तो बायलैटरल रिलेशंस में दोनों देशों को बहुत फायदा है, इंक्लूडिंग इवन न्यूक्लियर एनर्जी। अभी जो मोदी जी गए हैं इसमें न्यूक्लियर एनर्जी की भी डिस्कशंस हैं। अब निकल के क्या आता है कह नहीं सकते, बट आप ध्यान रखिए ऑलरेडी भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो चलते हैं रशियन मदद से, अमेरिका इंडिया की डील हुई है, इतने साल हो गए हैं, 2010 में हुई थी शायद, 15 साल अभी तक एक भी अमेरिकन रिएक्टर इंडिया में नहीं लगा। तो न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के ऑल्सो बायलैटरल रिश्तों में हम दोनों देशों को फायदा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।